स्वामी विवेकानंद नर्सरी, शहर के मध्य 4 एकड़ में फैली इस नर्सरी में आपको मिलेंगे 100 से अधिक प्लांट की विशाल रेंज, उच्चतम क्वालिटी न्यूनतम कीमत पर, हर साइज में 6 माह से 4 वर्ष तक के प्लांट्स उपलब्ध। कदम, गुलमोहर, करनास, नीम, पीपल, लक्ष्मी, तरु, बॉटल पाम, एरिका पाम, कोकोनट पाम, रॉयल पाम समेत अनेक रोड साइड प्लांट्स की रेंज आपको मिलेंगे। मैंगो, चेरी, ऑरेंज, लेमन, मौसम्बी, जामुन जैसे सभी फ्रूट प्लांट्स। हमारा पता है SB नर्सरी राधा स्वामी, डेरा के पास, रामनगर, रायपुर। बढ़ती गर्मी को देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूरे प्रदेश भर की जनता से आह्वान किया है कि मई माह के 1 तारीख को छत्तीसगढ़ का पारंपरिक कलेवा बोरे बासी भात मजदूरों के सम्मान में जरूर खाए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इस आह्वान पर प्रदेश भर में छत्तीसगढ़ के पारंपरिक व्यंजनों का ठिया के रूप में प्रख्यात गढ़ कलेवा में बोरे बासी भात मिलना भी शुरू हो गया है। अब 1 मई को प्रदेश भर में बोरे बासी भात खाकर मजदूरों का सम्मान किया जाएगा। मुख्यमंत्री के इस आह्वान को स्वीकार करते हुए भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने भी समर्थन दिया है। इसी क्रम में भनपुरी मंडल के अध्यक्ष ओम प्रकाश साहू ने भी मुख्यमंत्री के इस आह्वान को स्वागत करते हुए मजदूरों के सम्मान में बोरे बासी भात खाने की इच्छा जताई है, लेकिन साथ में मंडल अध्यक्ष ने हसदेव के जंगलों को काटे जाने के विरोध में बोरे बासी के साथ कच्ची मिर्च चबाए जाने का आह्वान भी किया है। मंडल अध्यक्ष ने कहा, जिस तरीके से मुख्यमंत्री के चहेते व्यापारियों को मुनाफा देने के लिए हसदेव के जंगलों को बेरहमी से काटा जा रहा है, उसके विरोध में बोरे बासी भात के साथ साथ पूरे प्रदेश भर की जनता कच्चा मर्चा चबाकर जंगल की कटाई का विरोध भी प्रदर्शित करें। मजदूरों के सम्मान में बोरे बासी खाएंगे, खा रहे थे और खाते रहेंगे। छत्तीसगढ़िया है हमारा यह प्रमुख व्यंजन है, हम जरूर खाएंगे, लेकिन बोरे बासी भात के साथ कच्ची मिर्च चबाकर हंसदेव के जंगलों को बेरहमी से हो रही कटाई का विरोध भी करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। जय जोहार। छत्तीसगढ़ मेहनत कश लोगों का प्रदेश है। इस पावन भूमि को हमारे किसानों और श्रमिक भाइयों ने अपनी मेहनत के पसीने से उर्वर बनाया है। लहलाते खेतों की बात करें या अंधेरी खदानों से खनिज ढूंढ लाने की बात करें, कारखानों में धधकते लोहे से मजबूत स्टील बनाते हाथों हों या वनांचल में महुआ, तेंदुपत्ता जैसे वनोपज इकट्ठा करने वाले हाथ हों, देश को, प्रदेश को हमारे किसान भाइयों और श्रमिक भाइयों ने ही अपने मजबूत कंधों में संभाल रखा है। 1 मई को हर साल हम इन्हीं मेहनतकश लोगों के प्रति अपना आभार व्यक्त करने के लिए मजदूर दिवस मनाते हैं। आप सभी को मालूम है कि हर छत्तीसगढ़िया के आहार में बोरे बासी का कितना अधिक महत्व है। हमारे श्रमिक भाइयों, किसान भाइयों और हर काम में कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली हमारी बहनों के पसीने के हर बूंद में बासी की महक है। जब हम कहते हैं बटकी में बासी और चुटकी में नून, तो यह सिंगार हमें हमारी संस्कृति से जोड़ता है। डॉक्टर बघेल ने भी खूब कहा है, गजब विटामिन भरे हुए है छत्तीसगढ़ के बासी में। आपको बताना चाहूँगा कि गर्मी के दिनों में बोरे बासी शरीर को ठंडा रखता है, पाचन शक्ति बढ़ाता है, त्वचा की कोमलता और वजन संतुलित करने में भी यह रामबाण है। बोरे बासी में सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं। हमें हमारी युवा पीढ़ी को अपने आहार और संस्कृति के प्रति गौरव का एहसास कराना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं आप सभी से अपील करता हूं कि 1 मई को हम सब छत्तीसगढ़िया बोरे बासी के साथ आमा के अथान और गोंदली के साथ हर घर में बोरे बासी खाएं और अपनी संस्कृति और विरासत पर गर्व महसूस करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जी के होंडा, एक ही छत के नीचे होंडा की सारी रेंज की गाड़ियां उपलब्ध। पुरानी गाड़ी एक्सचेंज कर आज ही ले जाएं अपनी मनपसंद गाड़ी। आपकी खुशियों का पता जी के होंडा, तेलीबांधा रोड, मिनोचा पेट्रोल पंप के पास, रायपुर। छत्तीसगढ़ की हर खबर सबसे पहले आपके फोन पर। सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाए। 9 सालों से आपकी पसंदीदा मीडिया अब यूट्यूब पर भी। सिंधु यूथ छत्तीसगढ़ का अपना न्यूज़ चैनल।